80 के दशक की ऐसी कई एक्ट्रेसेस रही हैं जिनकी शुरुआत तो बहुत धांसू हुई लेकिन फिर वैसी सफलता नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। फिल्म दुनिया की ऐसी ही एक एक्ट्रेस है शोमा आनंद। खूबसूरत आंखें और प्यारी मुस्कान वाली शोमा के करियर की शुरुआत बेहतर रही। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म बारूद से की थी जिसमें लीड ऋषि कपूर थे। ऋषि उस दौर के हिट हीरो थे और उनके साथ बॉलीवुड में एंट्री करना हर नई एक्ट्रेस का सपना होता था। ऐसे में शोमा का ऋषि संग पहली फिल्म करना किसी सपने से कम नहीं था। इस फिल्म में शोमा के काम को भी पसंद किया गया। इसके बाद शोमा जिगर और कूली जैसी फिल्मों में भी नजर आई लेकिन अफसोस कुछ समय बाद शोमा साइड रोल में सिमट कर रह गई। आज शोमा अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं। तो आइए उनके इस जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। शोमा का जन्म 16 जनवरी 1958 को मुंबई में हुआ था। शोमा को भले आप नाम से पहचान न पाए लेकिन उनकी तस्वीर देखने के बाद आपको हंगामा की अंजलि जरूर याद आ जाएगी। हाँ, वो बात अलग है कि उम्र के साथ शोमा के लुक में भी काफी बदलाव आया है। खूबसूरत आंखें और प्यारी मुस्कान वाली शोमा पहले काफी स्लिम दिखती थी लेकिन अब अगर आप उन्हें देखेंगे तो पहचान नहीं पाएंगे। शोमा ने पहले के मुकाबले अब अपना वेट काफी गेन कर लिया है। बता दें कि शोमा ने 18 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा था। ऋषि कपूर जैसे बड़े एक्टर के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली शोमा को आपने कई फिल्मों में देखा होगा। कभी वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर तो कभी हीरो और हीरोइन की बहन बनकर अपनी दमदार अदाकारी से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता। शुरुआती दिनों में शोमा बोल्ड सीन देने से भी नहीं कतराई। हालांकि दर्जनों फिल्म में लीड रोल करने के बावजूद शोमा आनंद की एक गलती की वजह से उन्हें साइड कैरेक्टर रोल में शिफ्ट होना पड़ा था और वो गलती थी उनकी शादी। जी हाँ, जब शोमा अपने करियर की ऊंचाई पर थी तब उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तारिक शाह से शादी कर ली। वहीं शादी के बाद शोमा की ससुराल की तरफ से उन्हें फिल्में ना करने के लिए कहा गया। ऐसे में शोमा ने फिल्मों से ब्रेक लिया और उनके करियर की गाड़ी पटरी से उतर गई। लेकिन शोमा ने हार नहीं मानी और टीवी से अपनी नई पारी की शुरुआत की। शोमा के सितारे फिर चमक उठे। टीवी की दुनिया में उनकी गिनती लोकप्रिय कलाकारों में होती है। शोमा ने हम पाँच, कितने कूल हैं हम, भाभी, शरारत, मायका, खेलती है जिंदगी, आंख में चोली जैसे कई टीवी शोज में काम किया और अपनी एक्टिंग से छोटे पर्दे पर अलग पहचान बनाई। टीवी शोज से लोकप्रियता हासिल करने के बाद शोनम ने बॉलीवुड में भी दोबारा एंट्री की जो कि बेहद दमदार रही। शोमा ने कॉमेडी फिल्म हंगामा में अभिनय का दम दिखाया। इसमें उन्होंने परेश रावल की पत्नी अंजलि का किरदार निभाया था। इस फिल्म ने बॉलीवुड में एक बार फिर उनके लिए जगह बना दी थी। आज भी उन्हें हंगामा की अंजलि के रूप में याद किया जाता है। वहीं इस फिल्म के बाद शोमा ने क्या कूल है हम, कल हो ना हो, दादी कूल जैसी कई फिल्मों में काम किया। सभी फिल्मों में दर्शकों ने शोमा की एक्टिंग को सराहा। साल 2006 में शोमा आखिरी बार फिल्म शादी करके फंस गया यार में नजर आई थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद से वो छोटे या बड़े किसी भी पर्दे पर नजर नहीं आई है। शोमा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। निजी जिंदगी की बात करें तो शोमा के पति तारिक का लंबी बीमारी के बाद साल 2021 में देहांत हो गया था। दोनों की एक बेटी है सारा। ब्यूरो रिपोर्ट E24।